गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमें भी अच्छे हूँ। तो आइए आप लोग गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। दो रोटियां हैं, दाल है और सब्जी है, चोखा है और मिर्ची है और नींबू है। तो मुझे खट्टा तीखा बहुत पसंद है, ये तो देख के समझ ही गए होंगे आप लोग। और देखिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, वैक्सीन लगवाने के लिए आई हूँ, दूसरा डोज। तो मैं देख रही थी, काफ़ी लंबी लाइन थी तो मैं एक साइड खड़ी थी और भाई मेरा लाइन में लगा हुआ था। तो हम लोगों का नंबर आ गया और अब हम लोग लगवा के जा रहे हैं, ठीक है। और ये मुझे भाई वहाँ से लेकर एक दुकान है वहाँ पे आ गया था, तो मैं वहीं पे बैठी थी, पूरा घड़ी लगा हुआ था तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा जोट कर लिया। हर तरह की घड़ी थी, तो क्योंकि उसको कुछ काम था तो उसने बोला चलो दुकान में चलते हैं, काम हो जाएगा तो फिर वहाँ से चलेंगे, ठीक है। और मुझे यही वाला मास्क सूट करता है, मैं यही लगाती हूँ। दूसरा मास्क लगा लेती हूँ तो थोड़ा मेरा सांस जल्दी जल्दी चलने लगता है, थोड़ी सी मुझे सांस की प्रॉब्लम है सो इसके लिए। और देखिए इस टाइम पे उसमें कितने बज रहे हैं, किसी में कुछ बज रहे हैं, सब अलग अलग टाइमिंग बता रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल टाइमिंग इस समय हो रही थी 4:10, ठीक है। और देखिए अब वहाँ से हम लोग निकल गए हैं और बाइक से मैं जा रही थी, तो देखिए मैंने जाते जाते थोड़ा सा सूट कर लिया, ठीक है। और मैं जा रही हूँ, देखिए मैं इस समय कहाँ हूँ मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत दूर गई थी। और आते आते मुझे बहुत टाइम हो गया तो भूख भी लग रही थी। मैं बोल रही थी कि चलो पहले कुछ खिला दो मुझे, खा लेंगे तब आगे चलेंगे। तो उसने बोला कि जो हमारा मार्केट है वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे डोसा बहुत अच्छा मिलता है, तुमने नहीं खाया होगा, चलो वहीं पे खिलाता हूँ। तो ये हम लोगों की बहस हो रही थी, दोनों जन की बहस करते करते हम लोग जा रहे थे। और एक बेवड़ा वहाँ फी के लेटा हुआ था, बाइक खड़ी थी, मैंने कहा देखो इसके कोई भी बाइक उठा ले जा सकता है, पैसे वगैरह चुरा सकता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क ही नहीं था। वही सब बातें करते करते हम लोग आ रहे थे, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा क्लिप निकाला था वही होटल में बैठ के, और डोसे का नहीं निकाला, इतना बकवास डोसा था ना, मैं देखी तभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब कोई चीज़ देखने में अच्छा नहीं लगता ना तो मैं कन्फर्म हूँ कि वो खाने में अच्छा नहीं लगता। 100 में से 10% ही ऐसा है जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता लेकिन खाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसको देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इसके लिए मैंने शूट भी नहीं किया उसको। और वैसे तो डोसा हमेशा ही आता रहता है, मैं बनाती भी रहती हूँ घर पे, क्योंकि यहाँ तो डोसा ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो चलिए पहुँच गए हैं होटल में, देखिए यही है, यहाँ पे सब खा रहे थे। थोड़ा सा मैंने क्लिप निकाल लिया, भाई लाने गया था, नहीं तो गुस्सा करता है, उसको नहीं पसंद है वीडियो बनाना वगैरह, सुखो का मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर, तब तक बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सर? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं वैक्सीन लगवा कर आई, आप लोगों ने देखा ना, मैंने थोड़ा सा बस क्लिप निकाला तो वही आप लोगों के साथ शेयर किया है, और बात करने का तो टाइम नहीं था। और कैसे कैसे करके मुझे लगा वैक्सीन, मेरा दूसरा डोज कम्प्लीट हो गया है आज। बहुत दूर गई थी लगवाने, और थोड़ा मुझे लग रहा है मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, अभी मुझे फीवर होगा। और तो देखिए मैं कब तक वीडियो अपना बना पाती हूँ। आज का वीडियो तो मैंने अभी थोड़ा ही शूट किया है, तो जब भी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस हाथ में मेरी वैक्सीन लगाए, बहुत ज़्यादा दुख रहा है हाथ, करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना,
उसके बाजू में बेल आइकन है उसको बजा देना ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, सोच रही हूँ आगे को देख रही मिलेगी तो चाय या कॉफ़ी बनवा के पीऊँगी। और यहीं सोफे पे मैं देखे, मैंने स्माइली पिलो लगाया हुआ है, यहीं पे मैं लेटूंगी। और आरो देखिए क्या कर रहा है, आरो पढ़ाई कर रहा है। और आज मैंने बहुत सारा क्लीनिंग किया था बट वो वीडियो में बना नहीं पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे वैक्सीन लगवाने जाना है। और जो आरो के बाजू में रखा है उसमें कचरा सब भर रही हूँ। कचरा मतलब कि जैसे कपड़े हैं हम लोगों के यूज़ नहीं आ सकते लेकिन दूसरे के यूज़ में आएंगे, तो मैं उसको उसी में डाल के फिर मैं नीचे वॉचमैन को दे दूँगी। तो किसी गरीब को या जिसको इसको इसकी ज़रूरत होगी उसको वो दे देंगे, हम लोगों के काम में नहीं है लेकिन हो सकता है दूसरे के काम में आ जाए क्योंकि एक भी कपड़ा फटा नहीं है, बस थोड़ा कलर वगैरह छूट गया है एक एक दो दो महीने पहन पहन के। आरव का, आर्या का, मेरा, मेरे हस्बैंड जी का, सबका है, तो मैंने उसी में डाल दिया। पर्दे वगैरह सब मैंने हटा दिए हैं और घर बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। तो आप कल थोड़ा सा काम बचा है, थोड़ा काम कल कर लूँगी तो फिनिश हो जाएगा। तो कल अगर मैं ठीक रहूँगी तो करूँगी, नहीं ठीक रहूँगी तो फिर नहीं भी करूँगी। मैं जब करूँगी मैं वो आप लोग से शेयर करूँगी, ठीक है। और देखिए कल का वीडियो आता है कि नहीं, क्योंकि अगर मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब रहेगी तो देखेंगे, नहीं तो जितना मैंने शूट किया है मैं उतना ही डाल दूँगी, दो पाँच मिनट का ब्लॉग ही, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय बाय, सी यू सून। हाय, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज 28 है अक्टूबर और आज के दिन मैं पिछले साल गांव में ट्रेन पे बैठी थी, आज मुझे एक साल हो गया। बीच में गई थी भाई शादी में लेकिन तभी भी एक साल हो गया मुझे, ठीक है, आए हुए। और इस समय 6:10 हो रहे हैं, सिर बहुत घूम रहा है। देखिए मैंने सोचा आपसे बात करती रहूँगी, थोड़ा मन मेरा इधर उधर होता रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठे बैठे क्या सोचते हैं क्या नहीं कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। और मैं जहाँ वैक्सीन लगवाने गई थी बहुत दूर है, बहुत दूर है, वहाँ पे गई फिर इतना लंबा लाइन था, इतना लंबा लाइन था ना पूछो मत आप लोग। और तभी भी मैं अब तक अगर लंबा लाइन मतलब जितना लंबा लाइन था अगर मैं रुकी रहती मेरा लाइन पे मैं लगवा के आती तो अभी मैं वहाँ से खाली होती लगवा के। मतलब मैंने क्या किया ना, आगे देखा मैंने कुछ लोग आगे की लाइन क्रॉस करके आ रहे थे तो मैंने भी वैसा ही किया सेम। और धूप भी बहुत था, बैठने की जगह बहुत कम थी, चलिए मैं यही बोलना था। और आज चीटिंग की मैं, काम गलत तो हुआ, गलत करी मैं लेकिन क्या करूं, कितना मैं ही सही करूं। लोग तो पहले से ही ऐसा कर रहे थे, मैंने एक लोगों को देखा, दो लोगों को देखा, यहाँ तक कि जेंट्स भी वैसा ही कर रहे थे, कुछ पूछने के बहाने जाते और अपना आधार कार्ड दिखा के और नंबर लेके चले जाते थे। तो लेडीज़ को भी मैंने देखा, दो तीन लेडीज़ को, तो मैंने कहा मैं भी ऐसा ही पूछने गई थी कि जो मेरा है वही लग रहा है, कोई दूसरा वाला लग रहा है, नहीं तो क्या होता ना कि इतना देर लाइन में लगो फिर पता चलता है, वहाँ पे कुछ टंगा भी नहीं था, ठीक है। तो पूछने गई थी, फिर मैंने ऐसा मैंने भी क्या किया, आधार कार्ड दिखाया, मैं आधार कार्ड लेके जाना ही भूल गई थी। फिर वहाँ पे गई तो मेरे हस्बैंड से आधार कार्ड फ़ोन में मंगवाई तो एक भाई साहब थे, वो बोले कि बहन जी लगता है कि आधार कार्ड दिखा के लगेगा, फ़ोन से नहीं होगा। तो मैंने कहा एक बार पूछ लूँ,
तो पूछने गई तो उन्होंने नंबर पूछा, तो मैंने भी नाले पे दहला मार दिया। ठीक है, तो चलिए यही था आज का वीडियो। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, उसके बाजू में बेल आइकन उसको बजा देना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसी के साथ मिलती हूँ मैं फिर एक ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्यार से देखिएगा, बाय बाय।